दोस्तों, अगर आपके पास कोई फोटो है और आप चाहते हैं कि उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए या आप उसका बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसके लिए आप फोटोशॉप या कोई और एप्लीकेशन का ऐप का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग बिना किसी सॉफ्टवेयर के अपने फोटोज के बैकग्राउंड को चुटकी में आसानी से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉक विद तनवीर में। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि कैसे अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम क्या काम करते हैं, गूगल पे आ जाते हैं, रिमूव स्पेस बीजी और सर्च कर देते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको पहला लिंक मिल रहा है remove.bg, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन दे रहा है, अपलोड इमेज पे चाहिए उसका, जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो रखी हुई है उसको हम क्या काम करते हैं, किसी भी एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं। आप चाहें इनमें से कोई सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसी फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड ज़्यादा बिगड़ा हो। उस पर डन कर लेंगे। डन करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, अपलोड होगा और अपलोड होने के बाद हम उसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। दोस्तों, ये फोटो हमारी जो है बैकग्राउंड चेंज हो चुका है, लेकिन अगर आप ऐसे डाउनलोड करेंगे तो पीछे ब्लैक आएगा। इसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर एडिट कर लेते हैं। एडिट का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो कैसा रखना चाहते हैं आप। जैसे मैं प्लेन रख लेता हूँ एकदम, ये हमारा चेंज हो गया। अब यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, तो डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है, इस पर डाउनलोड करेंगे और ओपन करते हैं। आपको दिख रहा है कि एकदम प्लेन, एकदम अच्छे से हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया है। आप फोटो को और चेंज कर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड एकदम प्लेन हो। चलिए इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डन कर देते हैं। दोस्तों, अब ये फोटो आ गई है हमारे पास। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे इसको एडिट करते हैं। एडिट पे चलेंगे। और यहाँ से हम बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये बैकग्राउंड मैंने ले लिया, या रेड बैकग्राउंड ले सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।